नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है, उसके साथ साथ संत डॉक्टर गुरमीत राम नाइम सिंह जी इंसा का 55th बर्थडे है। तो यहाँ का क्या नज़ारा है, किस तरह से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस और अपने गुरु जी के बर्थडे को, क्या आज स्पेशल है और कितना जानते हैं ये अपने गुरुजी के बारे में, क्या उनके विचार हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम बातचीत करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कितना यहाँ पर रश है। यहाँ पर आने वाली बैठी हुई महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। हेलो मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कृष्णा इंसा। आपका? बलजिंदर कौर इंसा। आप लोग डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हुए हैं? हम डेरा सच्चा सौदा से कम जी हो गए 40-45 साल। 40-45 साल। आपको? हमारे को भी इतनी है, 1998 से जुड़े। देखिए 1998 से ये लोग जुड़े हैं 40-45 सालों से। तो आप 40-45 सालों से डेरा में आ रहे हैं, तो क्या कभी आपके साथ या आपके साथ किसी के साथ भी गलत कुछ हुआ, या आपने किसी के साथ कभी कुछ गलत होते देखा? बिल्कुल नहीं, ना हुआ और ना कभी देखा अपनी आँखों से। कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं जी, कभी भी नहीं। तो मैडम, क्या आज भी आपको अपने गुरुजी पर विश्वास है, इतना सब कुछ हो गया? बिल्कुल विश्वास है, 100% के 1000% हमें विश्वास है अपने गुरु पर, क्योंकि वो तो सब कुछ झूठ है, हमें पता ही है। जो हमारे गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो एकदम से बिल्कुल 1000% झूठ है। हमने तो बिल्कुल अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास है। तो मैडम, इतना सब कुछ हो गया, आज भी आप लोग डेरा आए हैं, डेरा सच्चा सौदा में अपने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो आज स्पेशल आप लोग क्या करने वाले हैं? आज हम स्पेशल नाचने के लिए, झूमने के लिए, गाने के लिए, बस इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। पिताजी से खुशियां लेने के लिए हम आए हैं, और शहनशाह जी के चरणों में हमारी यही अरदास है कि हमें अपने चरणों में लगा के रखे और हमारी तोड़ निभाए। नंदन सतगुरु तेरैया। नाच गाने के साथ साथ आज एक स्वतंत्रता दिवस भी है, तो आप उस पर क्या करने वाले हैं? आज हमने अपने घर में झंडा फहराया है और स्वतंत्र सलामी दी है उनको, और हम सभी अपने गुरु जी के जन्मदिन के एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो यहाँ से खुशियाँ लेने के लिए आए हैं हम यहाँ पर, और सत्संग सुनने के लिए। तो क्या आपने भी झंडा फहराया अपने घर? जी हाँ, घर में फहराया, गाड़ी में भी लगाया है हमने झंडा। तो मतलब जो मुहिम मोदी जी ने शुरू की थी, आप सब उनका सहयोग कर रहे हैं? करते हैं जी, इसमें क्या, हम इसी देश में रहते हैं तो हम जरूर सहयोग करते हैं। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि जैसे अभी पिछले 30 दिन के लिए जैसे आपके गुरुजी आप सबके बीच में आए, समाज में आए, तो उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, क्या बदलाव आया, आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा हुआ या क्या हुआ? लोगों ने बहुत ज़्यादा बुराइयाँ छोड़ी, और सभी लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई अजीब है कि गुरुजी जेल में भी थे और वहाँ से आने के बाद अब आए हैं, आने के बाद भी लोगों का इतना प्यार प्रेम देखने में बहुत ज़्यादा हैरान थे लोग, और खुशियाँ बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे कि भाई हैरान है, हम देख के भी हैरान है, जो हमारे साथ नए जीव भी गए हुए थे वो भी देख के हैरान थे कि ऐसा क्या है, बहुत लोग खुश थे बहुत ज़्यादा। तो क्या आप आगे भी ऐसे आते रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो हम यही कहेंगे कि जो इतने अच्छे संत हैं, इतने समाज सुधार रहे हैं, इतने मानवता भलाई के काम इन्हीं के द्वारा ही तो हो रहे हैं, और क्या, तो वो उनको मतलब बाइज्जत बरी करें, घर भेजें, और ताकि देश दुनिया का और भला हो सके। तो देखिए, यहाँ पर आने वाले कुछ लोगों के विचार हमने आप सबके सामने रखे, तो ये भी जिस तरह से सभी अमृत महोत्सव में भाग ले रहे हैं, ये लोग भी अपने घरों में, इन्होंने भी तिरंगा को फहराया है, सम्मान किया है, सल्यूट किया है। तो हम आने वाले और लोगों से आपको बातचीत कराते हैं, और आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट टाइम। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।